अगर आप मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड के पास स्थित बैंक कॉलोनी में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि 92.5 गज में बना हुआ हो, बिल्कुल नया मॉडर्न तरीके से बना हुआ हो, टाइल्स वर्क अच्छा हो रखा हो, आपका फ्लोरिंग बहुत अच्छा हो, इसके अलावा बड़े कमरे हो, आपका लॉबी एरिया सफिशेंट हो और डेढ़ मंजिला बना हुआ हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट गुप्ता ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपको स्वागत करता हूँ। तो अब हम खड़े हैं इस मकान के पार्किंग एरिया में, या इसका मेन आपका जो डोर है, मेन एंट्रेंस है वो आपका ये है। देखें सामने आपके 18 फीट की रोड है, हालांकि अभी रोड पे थोड़ा सा वर्क रह गया है, अभी रोड पूरी तरह तैयार नहीं है, पर ये 18 फीट की रोड है। और ये इसका हमने मेन गेट दिखा दिया आपको, और ये आपका पार्किंग एरिया है। आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि घर के आगे 18 फीट की रोड है, तो अगर आपका कोई फोर व्हीलर है तो आप घर के बाहर पार्क कर सकते हैं। बाकी इस पार्किंग एरिया में आपके आराम से आपका टू व्हीलर पार्क आराम से हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर, देखेंगे यहाँ पे मेन जो इसका एंट्रेंस है, डबल डोर यूज़ किया है, मैच डोर भी है, और साथ साथ आपका वुडन डोर यूज़ हो रखा है। और अब हम आ गए इस मकान के लॉबी एरिया में, देखेंगे लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा है, और इस लॉबी एरिया से ही कनेक्टेड आपको दो आपको बेडरूम मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक ओपन मॉडुलर किचन मिलने वाला है, और साथ में आपको एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम मिलने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को कि आपका जो लॉबी एरिया काफ़ी खुला हुआ है, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप कार्टन यूज़ कर लेते हैं तो इस एरिया को आप एज ए ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आप LED पैनल वगैरह लगा के ये पूरा एरिया आपका ड्राइंग रूम की तरह यूज़ हो सकता है। तो इस लॉबी एरिया में हम देखेंगे तो जो फर्श है इस पर टाइल्स वर्क बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है, और जो वॉल्स पे जो कलर है ये लाइट क्रीम यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम फॉल सीलिंग देखेंगे तो ये भी आपका वाइट और पिंक कलर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। और अच्छी चीज़ ये है इस मकान की कि जो आपका जो टाइल्स है और जो आपकी वॉल है और जो फॉल सीलिंग है, इनका जो कलर है आपस में बहुत इतना अच्छा मैच कर रहा है और एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, पर आप देखेंगे बहुत अच्छी लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा लग रहा है कि लाइट्स ऑलरेडी बल्ब वगैरह जले हुए हैं। तो ये है लाइट कलर यूज़ करने का मकान में, एक अच्छा चीज़ रहता है। और अब हम आ गए किचन में, किचन में देखेंगे आपका ये ओपन और मॉडुलर किचन है, कैबिनेट्स और स्टोरेज ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, सफिशेंट आपकी ये स्टोरेज है आपका कैबिनेट्स वगैरह जो आपका किचन का जो भी आइटम होगा इसमें रखेंगे। इसके अलावा आप जो कैबिनेट्स वगैरह देखेंगे आपका मेटेलिक फ्रेम पे ये बनी हुई है और सॉफ्ट कलर के साथ यूज़ हो रही है, साथ में सिंक ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है और पानी अवेलेबल है। नगर निगम का जो सप्लाई है वो कनेक्टेड है, ऑलरेडी इसमें मोटर लगी हुई है तो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है। और देखेंगे इसके जो विंडो है आपकी, ये आपके बाहर मेन रोड पे खुल रही है, तो इससे क्या आपका एयरेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो एक कमरा है उसका एक्सप्लोर करते हैं। ये आपका है बेडरूम नंबर 1, देखें काफ़ी सफिशेंट स्पेस है इसमें, टाइल्स पेंट वर्क सब कंप्लीटेड है। और अब हम आते हैं बेडरूम नंबर 2 में, ये आपका रूम नंबर 2 है, स्टोरेज के लिए हम देखेंगे इस कमरे में आपका, इस बेडरूम में आपका वार्डरोब लगा हुआ है, इस पर काफ़ी वुडन वर्क बहुत अच्छा है, आपका जो ब्राउन कलर है बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और इसके अलावा ये देखेंगे अंदर स्टोरेज के लिए सफिशेंट आपका कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई है इसमें। तो दो बेडरूम के बाद अब हम चलते हैं इस मकान का जो आपका वॉशरूम है उसमें आ गए। ये आपका कंबाइंड एक टॉयलेट बाथरूम है, देखेंगे इसमें वेस्टर्न स्टाइल की शीट लगी हुई है और जो टाइल्स हैं आपकी लगभग 8 फीट तक है और शॉवर फिटेड है। इसके अलावा गीजर के लिए भी कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। और अब हम आ गए इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पे।
फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से। ये आपका ओपन किचन है, सिंक ऑलरेडी लगा हुआ है और आपका प्लेटफॉर्म रेडी है, वाटर सप्लाई इसमें अवेलेबल है। तो देखेंगे एक स्मॉल फैमिली के लिए ये आपका किचन तैयार है। और इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा बना हुआ है, ये आपका एक रूम है, देखेंगे कंप्लीट है बिल्कुल। स्विच बोर्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं इस पर, फॉल सीलिंग आपका जो देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन ब्लू और वाइट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो फ्लोर है इस पर टाइल्स वर्क पूरा कंप्लीटेड है, टाइल्स लगी हुई है। हम देखेंगे इस कमरे में आपके इधर को जो रास्ता है, ये एक डोर लगा हुआ है जो कि बालकनी को खुलता है, हालांकि अभी ये बंद है, और एक विंडो दी हुई है। और जैसे कि किचन और रूम के बाद एक यहाँ पे कंबाइन आपका टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है जिसमें इंडियन शीट लगी हुई है। तो जो आपका फर्स्ट फ्लोर है इसका हाफ पोर्शन कवर्ड है, उसके अलावा कुछ पोर्शन है जो कि ओपन है। आप देखेंगे ये एरिया जो आपका ओपन है, तो इसमें भी आप इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपकी फ्यूचर नीड होती है। नहीं तो आपका जो अगर आपका फैमिली छोटा है तो इसमें भी आप ग्राउंड फ्लोर पर रह कर फर्स्ट फ्लोर का आप यहाँ पर अगर रेंट पर देंगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का रेंटल यहाँ से इनकम हो सकती है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए तो उसके लिए मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई प्रॉपर्टी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके हाथ से कोई अच्छी डील नहीं निकलेगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। तो रेट बताने से पहले मैं इस मकान को समराइज़ कर देता हूँ। ये दिल्ली रोड के पास स्थित जो बैंक कॉलोनी है वहाँ की ये लोकेशन है। इसका जो एरिया है 92.5 गज में बना हुआ ये मकान है, नॉर्थ फेसिंग है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आपको दो कमरे, एक बड़ा लॉबी एरिया जहाँ पे मैं ये वीडियो को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसके अलावा एक ओपन मॉड्यूलर किचन और सेपरेट कम्बाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। और अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो एक रूम है और साथ में कम्बाइंड टॉयलेट बाथरूम के अलावा एक किचन भी दिया हुआ है जहाँ पे आप एक रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये की रेंटल इनकम आपको फर्स्ट फ्लोर से मिल सकती है। तो ये मैंने पूरे इस मकान को एक्सप्लोर कर दिया। अब हम बात करते हैं इस मकान के रेट की। तो इसके रेट हमको कोट किए गए वो है 48 लाख, यानी कि ये जो मकान है आपको 48 लाख में पड़ने वाला है। हालांकि ये भी चीज़ है कि ये जो रेट फिक्स नहीं है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो दिलाने का मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आपको बेस्ट प्राइस आपको दिलवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद प्रकाश आर्य आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।